Oh, come here, come here. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ राइड के लिए और कौन सा लोकेशन में जा रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। और अभी अभी बहुत ही गर्म है बाहर पे, आपको बाहर का जा वो दिखाता हूँ। बहुत ही गर्म है अभी, तो फिर भी मैं निकल रहा हूँ। तो आप बाहर पे मौसम चेक करो दोस्तों, देखो इतना धूप निकला हुआ है। आपने देख लिया इतना धूप है बाहर, फिर भी निकल रहा हूँ राइड में। हाथ अपना काला काला हो जाएगा होगा, तो फिर भी देखते क्या होता है। तो अपना हेलमेट इधर पे है, चाबी है ब्लैक वाला, अपना बाइक का कैसे शूज लगा लेते हैं जल्दी। तो शूज लगा लिया, यहाँ पे थोड़ा मैं मिर्चा तोड़ने का सोच रहा था। खास करते हमेशा ढक के रखता हूँ आप, जिससे कि गंदा वंदा धूल मट्टी ना हो और रंग ना उड़े एक्चुअली। तो मैं लगता है धूप से पर रंग उड़ जाएगा सकता, मेरा स्कूटी का काला रंग भी थोड़ा बहुत सफेद सफेद हो रहा है। तो दोस्तों, बाइक इतना गर्म है ना भाई, इसमें लुहा में छोके देखिएगा तो पता चलेगा इतना गर्मी है यहाँ पे। बाइक इतना गर्म है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा क्या हालत होने वाला पता नहीं। आज अपना हालत आज खराब होने वाला है। क्या करेगा, फिर भी निकलना तो पड़ेगा ना, तभी निकल रहा हूँ मैं। खतरा गर्म है, धूप दिखा हुआ ऊपर, इतना गर्म है भी निकल रहा हूँ। जाओ कि नहीं जाओ, सबसे जाओ अभी भी तो सभी भी निकलते हैं। चलो तो सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में दोबारा पूछ लेता, मेरा पिन अभी तक नहीं आया ना। पिन का बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पिन ही नहीं आया तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो दोबारा एक चांस तो है पिन अप्लाई करने का, फिर भी डाउट है पिन आएगा कि नहीं आएगा मेरे को। तो देखते हैं पिन आया कि नहीं, आप पूछते हैं। और नहीं आए से दो तीन दिन के बाद फिर दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ मैं। तो गाइस, मैं थोड़ा आया पोस्ट ऑफिस कोई पिन का पूछने के लिए। देख तो दोस्तों, उधर पे आए थे, एक का पिन आया था, मैं सोचा मेरा पिन जैसा लगा था मुझे। उसमें क्या बोलता है, यहाँ से कोई यश प्रधान बोले ना किसी का, उसका पिन आया था, ये भी खपेल से ही है। तो सब निकलते यहाँ से। तो दोस्तों, वहाँ पे आए थे, एक पिन किसी और का पिन था जैसा बताया आपको मैंने, उसका नाम भी प्रधान ही था। इतना एक होप था कि मेरा जैसे पिन लग रहा था मेरे को, इतना खुश लग रहा था मन में, फिर भी आए नहीं। ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी निकल रहा हूँ, क्या करें, काम तो अपना करना पड़ेगा। आई होप जल्दी आ जाए अपना भी पिन। हाईवे, ये दार्जिलिंग हाईवे, तो आराम से चलते हैं, पहले पेट्रोल डाल लेते हैं। क्या कर रहा भाई, पुलिस वाला भी काम का नहीं है, कहाँ कहाँ रुकता है। 500 का पेट्रोल डालता हूँ मैं, 500 रुपीज़ का, 500 का अमाउंट जीरो नहीं होगा, अपने भाई प्लस कर दिया। तो गाइस, अपना पेट्रोल आ गया है 500 रुपीज़ का, सिर्फ तीन वो जला क्या बड़ा, एक दो तीन तीन फ्यूल का काटा बड़ा। पेट्रोल बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई, 500 का पेट्रोल कुछ नहीं है इसमें। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है इधर पे, ज़्यादा क्या, रास्ता छोटा है ना तो ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है। फाइनली निकल गया ट्रैफिक से बाहर, ट्रैफिक बाजार का उधर सिर्फ लगता ज़्यादातर। मैं नज़ारा चेक करा चारों तरफ, ये साइड में ट्रेन का पटरी, ये छोटा ट्रेन का पटरी है, पेट्रोल ट्रेन निकलता है ऐसे, ये हफ्ता में शायद एक दो बार निकलता है शायद दार्जिलिंग के लिए। तो उस टाइम पहुँच चुका हूँ दार्जिलिंग रोड, ऊपर देखो जलपाईगुड़ी गुवाहाटी गैंगटॉक सब लिखा हुआ है उधर पे। अब मुझे यहाँ से अब लेफ्ट जाना है। क्या कर रहा भाई, गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया, बाबा 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 ब्रेक ले रहा है। ये ट्रैफिक दिमाग खराब करता है सिलगुड़ी का। तो साइड से कल्टी मारते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ चंपा सीढ़ी, मैं वहाँ पर लेट जाना है, लेफ्ट तब जाएंगे, शायद रास्ता खुला हुआ है, ट्रैफिक ज़्यादा है ना भाई, ट्रैफिक में तो बहुत दिमाग ख़राब होता है चलाने के लिए। बाबा हीरो भाई, हीरो 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 दाम है। तो यहाँ पर लिखा है देवी डंगा बाज़ार, हमें ऐसा कुछ जगह पर देवी डंगा बाज़ार पर मैं अभी, मैं ठंडा जगह में जाना है भाई, ऐसा गर्म मिला कर मज़ा नहीं आता मुझे। तो अच्छा सस्ता मिला है, हम लोग पहुँचने वाला था उधर में। तो आगे चेक करो दोस्तों पहाड़,
यहाँ से पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है अभी। चलो मैं जाना तो इस साइड है मगर मैं आगे थोड़ा जाके आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। चलो यहाँ चेक करो दोस्तों। वाओ दोस्तों ये फील्ड इतना बड़ा फील है देखो। वाह भाई कहाँ तक पहुँचता देखते हैं। इस साइड गाँव का इलाका है शायद ये पूरा। गुलमा स्टेशन है जाता है ट्रेन स्टेशन इधर तो लास्ट ही है। तो ऊपर स्टेशन पहुंच के आते हैं। चलो कैसा है देखते हैं। तो ऊपर से तक देख के आते हैं। ये स्टेशन है यहाँ का। लिखा है गुलमा स्टेशन। तो आप लोग दिखाने के लिए लेके आया था मैंने इधर पे कैसा है बोल के। मैंने फर्स्ट टाइम देखा। चलो भाई मुझे यहाँ से अंदर घुसना था। चलो सही है भाई रास्ता बढ़िया है। तो अपना लोकेशन में पहुँच के रेस करेंगे। अरे पानी आ चुका है वहाँ चेक करो दोस्तों। पानी है नदी में। पहले सूख गया था नदी है। पहले हमने ऐसे क्या बोलते नीचे गया था। अभी तो पानी आ चुका है इधर पे। वो देखो पानी। अभी वहाँ से निकलना पड़ता है। सब लोग उधर से जा रहा देखो। तो हम लोग भी उस साइड चलते हैं। लोकेशन चेक करो। वाह मुझे पानी के अंदर जाने का मन कर रहा है वैसे तो। वही यहाँ चेक करो दोस्त यहाँ देखो ये कैसे घूम रहा है। देखो ये देखो ये आपको अच्छा दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये हवा चेक किया आपने। ये कैसे चल रहा है देखो यहाँ गोल गोल से घूम रहे। वाह फर्स्ट टाइम देखा है। साइकोलॉजी जैसा वाला होता है ना वैसा वाला। अब रास्ता चेक करो दोस्तों। ये पानी से होकर निकलना पड़ेगा मुझे अभी। ऐसा अपने गाड़ी वास कर सकते हो आप लोग। चलो भाई पानी से निकलते हैं। ओ फर्स्ट टाइम अपना बाइक ऐसे चला रहा हूँ मैं। ओ सही धरे आपने देखा होगा लोगों ने कैसा करके ले गया पता नहीं पानी के बीच से। पानी इतना कम कम पानी है ना पसंद लग रहा है। कहाँ से आ रहा है पानी। उधर से हो क्या आ रहा है अपना बाइक इधर है। तो गर्म में पानी छोड़ने का कितना मजा आ रहा है भाई। मुँह धुलाने का मन कर रहा है नहाने धोने का। फिर रास्ता चेक करते हैं कहाँ से ले गया भाई उन्होंने। तो गाड़ी तो यहाँ से निकल रहा है आराम से। वो यहाँ से होके जाना पड़ेगा शायद। हाँ यहाँ से थोड़ा कम प्रेशर है पानी में देखो। ये कम कम प्रेशर है ना तो यहाँ से निकल सकता है। बहुत ट्रक आ रहा इतना बड़ा सा। यहाँ से निकलेगा और घंटा हो जाएगा। रास्ता और ख़राब हो गया और गड्ढा हो जाएगा। तो मेरे को भी उसी पार जाना है। यहाँ थी यहाँ डर लग रहा है मेरे को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। कुछ तो नहीं होगा वैसे जूता लगाया ना जूता बीत जाएगा सिर्फ इतना ही। तो मैं सोचा जूता पहले जूता खोल लेता उसका निकलते हैं क्या बोलता है। तो आपका भाई ने जूता बांध दिया ऐसा करके। तो उसको लटकाएंगे पीछे तरफ इधर पर लटकाएंगे ठीक है ना गाइस। तो मैं भिजना जाए भाई इधर आ जाएगा तो भिज जाएगा क्या सोच रहा हूँ। तो जूता लटका दिया हम चलते हैं। चलो अब लंपिन ऊपर करना पड़ेगा। तो लंपिन भी ऊपर कर लिया मैंने। अब यहाँ से निकालेंगे किनारे से निकाल लेते हैं। निकालने कुछ इतना हार्ड कुछ नहीं है सिर्फ ये तक कपड़ा भीजिएगा बोल के ना। तो अपना जूता कैसा लटकाया देखो ना मैंने। सबसे पहले हेलमेट लगा लिया मैंने। आपको दिखाना पड़ेगा वीडियो कोई नहीं है वीडियो करने का मेरे साथ। तो मैं खुद ही दिखा दूंगा चिंता कोई बात नहीं भाई। वो दोस्तों अभी मेरा पैर इसमें लगा ना सब गरम हुआ ना मेरे पैर में इतना जल गया जैसे गरम हुआ। बब्बा डर गया मैं क्या है क्या लग गया बोलते बहुत खतरा गरम हो चुका है। चलो दोस्तों अब पार करना है इसको वाटर क्रॉसिंग। किला तक का पिकनिक चल रहा है इधर पे। नहीं आ रहा है
कहाँ तक गया था मेरा तो पता नहीं, जरा स्लो लेने का भेज देगी क्या पता नहीं। निकल गया भाई मज़ा आ गया वैसे था, बीच में अटक गया था मैं, पता नहीं अटकता। अरे क्या बोलते ट्रैफिक में अपना गाड़ी रास्ता ख़राब कर दिया ना। चलो 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 भाई बैग निकालते हैं, बहुत स्पीड लाना पड़ता है आजकल तो, मज़ा आ गया रात का। अब सीख गया कैसे क्रॉस करना है वाटर क्रॉसिंग, या तो और भी ज़्यादा है जा रहा है, एक हो गया सतर आपकी दूसरा आ जा रहा है वाटर क्रॉसिंग। चलो 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 अगर तो भाई क्या प्रैक्टिस हो चुका वाटर क्रॉसिंग का। यहाँ देखो ये सबसे हार्ड वाला है। चलो ओ मज़ा आ गया। मज़ा आ गया दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम ऐसा क्या क्रॉसिंग किया मैंने वाटर। लद्दाख का पे किसी देरी हो गया पता है, लद्दाख में कितना वाटर क्रॉसिंग करना पड़ता है, बड़ा क्या बोलते हैं बाइक हिल जाता उधर तो। निकल गया फिर भी आने लिए, इसको ऊपर चलते हैं। हाँ फाइनली पहुँच गया है उस तरह जगह है। आज तो वाटर क्रॉसिंग कैसा करना वो भी सीख गया। वो फर्स्ट में थोड़ा स्लो चलाने की वजह से इसलिए अटक गया था, क्या बोलता मेरा ये चक्का, नेक्स्ट बार थोड़ा स्पीड लेके आए तो हो गया आराम से। बहुत कोई एक्सपीरियंस हो गया आज तो भाई। गाय मेरा तरफ क्यों आ रहा, यहाँ को अच्छा जगह देख रहा था बैठने के लिए, मैं कहाँ बैठूँ भाई, गोबर किया मैंने जहाँ था जिसने गाय ने तो वहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, तो उधर जगह बैठते हैं थोड़ा तो रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना बाइक इधर पे और गाय वहाँ पर चला गया, अच्छा लग रहा है बाइक को देखो ना, गाय सामने है उसका, मैं तो इतना दूर में बैठा हूँ। तो थोड़ा यहाँ बैठते रेस्ट करते, इसके बाद निकलेंगे, थक गया बहुत, कुछ खाने के लिए तो खा लेते हैं भाई। मुझे डर लग रहा है इसलिए गाय मेरा उसको मार ना दे, धीरे धीरे अब उसका सामने सामने आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो हम इधर आ चुके हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं मैगी वैगी, अपना रेडीमेड मैगी लेके आता हमेशा हमें गर्म गर्म। आज तो ये मैंने थर्मस में पानी लेके आया, उसमें पूरा गर्म रहता है, उस दिन थोड़ा इतना हल्का गर्म था, कम हो गया सर, मज़ा नहीं आया था। मैंने मसाला मिक्स डाल दिया उसमें देखो। तो दोस्तों मैंने दो टू मिर्चा लेके आए थे, भी डालेंगे तो मिर्चा भी मैंने डाल दिया, ये मेरा तरीका है बनाने का। तो अब पानी डालते हैं, बहुत ही कर रहे हैं भाई इस बार तो। तो दो मिनट मैंने पकने के लिए दे रख चुका है इधर पे, तो सब पकने देते हैं और बात करते हैं आप लोग से। आज का ऑफरोडिंग बहुत मज़ा आया, क्या बोलते हैं पानी वाला, फर्स्ट टाइम पानी में एक्सपीरियंस किया अपना बाइक लेके ना, कभी बाइक चला ही नहीं था पानी में, वो भी इतना पानी में। ये क्या बोलता है लद्दाख के लिए एक्सपीरियंस, जैसे अगर मैं लद्दाख ट्रिप में कभी गया होता हूं, तो लद्दाख का एक्सपीरियंस हो गया इधर ही, कभी क्या जाऊँगा वैसे पक्का ही जाऊँगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा था जल्दी में मैं लद्दाख ट्रिप में भी जाऊँगा, तो सबसे पहले पीना आ जाए ना, पीना आ जाए सब कुछ हो जाएगा, तो पीन का ही वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आता है। अभी तो मैं कुछ इस तरह के जगह पे हूँ, अपना बाइक इधर पे है और यहाँ पे एक आदमी है घर से पे उस साइड है, पूरा मतलब भूत बंगला जैसा है ना पीछे पीछे, पता नहीं क्या है वो, पूरा पुंडा जमाना घर जो है ना पीछे पीछे देखो, थोड़ा इलाका थोड़ा डरावना इलाका है, मुझे थोड़ा देर से पिटना है, मैं थोड़ा देर से यहाँ से निकल जाऊँगा तो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो अपना सामान इधर पे रखा मैं थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ से निकलेंगे। हाँ तो रेस कर दो, रेस भी तो करना पड़ेगा, इतना लंबा राइड करके आया हूँ, थोड़ा बाइक को भी रेस चाहिए ना, तो इसलिए रेस कर रहा हूँ। बहुत मज़ा तो मुझे ऐसा झूठ मूठ के लिखा है दो मिनट बोल के ना, थोड़ा बजे ज़्यादा टाइम लगता पकने, दो मिनट ऐसा नहीं होता है, दो मिनट में कहाँ पकता है, घर में जो मैगी बना तो भी दो मिनट में नहीं पकता है ना, तो अच्छा नहीं बनता, मैं दो मिनट पक तो जाता होगा मगर अच्छा नहीं बनता। तो अभी तो बन गया होगा परफेक्टली, हाँ देखो अभी परफेक्टली बन चुका है, देखो शेप देखो इसका। तो दोस्तों अभी टेस्ट करते हैं मैगी गर्म गर्म आराम से छाया बैठ के। मज़ा आ रहा भाई, दोस्तों मैंने मैगी खा लिया हूँ आराम से बैठ के, अभी हवा में इतना आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। देखो
तो मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं क्या बोलते हैं पकाने वाला वो भी ले लेते, एक मिलता है ना क्या बोलते हैं छोटा सा गैस मिलता है ना उसमें, यहाँ से क्या बोलते हैं वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं सिलेंडर भी मिलता है, छोटा सिलेंडर गैस, छोटा गैस मिलता है, तो वैसा ले लेता सोच रहा हूँ और अपना खुद बना के खाएंगे तो मज़ा आने वाला है ना। तो यार रेडीमेड खाया तो इतना मज़ा, इतना एक्सपीरियंस मज़ा नहीं आता है, तो खुद बना के खाएगा तो और मज़ा आएगा, तो और भी कुछ मीन्स कुछ कुछ बना सकता खाने के लिए भी ना, तो वही सोचा था कि ऐसा ले लेता हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं, चलो तो अपना गंदा भी उठा लेता हूँ, यहाँ नहीं फेंकने का, अच्छी जगह फेंकने का फेंकने का। दोस्तों अब निकलते हैं, अपना जूता भी ले लिया, यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कांटा है ना, ये डोंट टच वाला पेड़ है, पहले पाँव चुप नहीं होता मेरा, अपना पेड़ लगने होता इसमें, तो जूता को दोबारा इधर लटकाएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है लटकाने से, क्या ये पानी का रास्ता दोबारा जाना है मेरे को, बाइक गंदा हो गया, धुला ला फिर गंदा हो चुका है, पीछे तरफ से गंदा हुआ, आगे तरफ से कुछ नहीं है। चलो अब मुझे मेरा पाँव देख लो, मैं खाली पाँव चला रहा बाइक, अब इतना ठंडा हो गया होगा, हल्का ठंड, पहले छोड़ नहीं सक रहा था, ऐसा हो गया था। ये देखो रास्ता, देखो ऐसा रास्ता आया था ऊपर में, फिर वापस ऐसे जाना पड़ेगा भाई 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 भाई। चलो निकलते हैं, तो ऐसे आया था मैं टर्निंग लेके, तो वही रास्ता जाएंगे, रास्ता चेक करो जो भाई, पीछे तो पूरा धूल उठ रहा होगा, मेरा शू है ना भाई, शू ना गिर जाए वही डर है। तो आपका दोबारा वाटर क्रॉसिंग में पहुंच चुका है, यहाँ चेक करो इस बार, तो कॉन्फिडेंस लिख लेंगे भाई, पहले तो थोड़ा लो कॉन्फिडेंस के साथ दे, क्या हो गया, ओहो क्या हो रहा भाई। कॉन्फिडेंस ही लिख लिया बोलते सारा, पहले रुक गया दिमाग खराब, राइट मजा नहीं है, तो यार अच्छे से करेंगे, साइड से ले जाना थोड़ा सा, ओ दाम ही आगे क्रॉसिंग पार करते हैं, वाटर क्रॉसिंग, मेरे पैर नीचे रख रहा हूँ, देखो कैसे जा रहा है पैर, वाह पैर देखो मेरा कहाँ से काम है पता नहीं, यहाँ पे जहाँ से भी वो निकलना है मेरे को, तो भाई आई दाम ही मेरा पूरा वो भीज जा रहा है, क्या रहा है बोलता है नाम पे पूरा भीज चुका है। अभी यहाँ पे और दो है, कहाँ से आया था मैं पता नहीं, इस साइड से शायद, ओह ऊपर तक पानी आ गया पेंट में, देखा ये देखो पेंट कैसे भीज रहा है मेरा, ये देखो कैसे भीज रहा है, ये बहुत बड़ा वाला था, अभी लास्ट है, लास्ट क्या बहुत सारा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये छोटा सा छोटा मोटा है, तो इसको यहाँ से पार कर लेंगे, ये है ना भाई अपना बाप वाटर क्रॉसिंग का, ओ यहाँ से निकलना पड़ेगा, हाँ निकल गया भाई, निकल जाएगा छोटा है भाई, इतना कम कर दिया मेरा पेट्रोल, 500 का पेट्रोल डाल था यार, अभी 200 का उड़ा दिया इसने KTM ने, पर पेट्रोल तो कैसा खाता है ना, जैसा ये अपने फ्री का खाना खा रहा है साला KTM वाला भाई, पेट्रोल थोड़ा कम कराओ, ये कौन सा रास्ता आ गया वैसे, में मुझे इस रास्ते से जाना था, तो ये तो नहीं चल रहा भाई, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना शू लगाना पड़ेगा, तो पैर सफा करके शू लगा लेते, तो भाई हो गया अपना शू लगाने का काम, निकलते हैं, ऑपरेटिंग खत्म हो चुका है, मुझे एक कुछ एक चीज़ मिलता था इधर पे, वहाँ पे अभी नहीं, एक भैया बैठता था इधर पे, ये मेरा मैं ऐसे आगे निकला बोल के आगे भागा हो मेरे से दिखाने के लिए मेरे को, छपरी राइडर लोग देखो ये
तो कैसे ट्रैफिक लग गया है, मैं उस साइड जाना है। आप यहाँ क्रॉसिंग करने में जल्दी कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ चेक करो तो गंदा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। अच्छा कि अपने साइड का चल ही रहा है, इस साइड तो पूरा बंद है गाड़ी। अगर पुलिस देखो लाइसेंस के लिए पकड़ ले तो मुश्किल हो जाएगा, अपने आप को तो ना पकड़े। मैं कैमरा के मुझे पकड़ेगा नहीं, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। जिसने हेलमेट नहीं लगाया मुझे पकड़ रहा है। वैसे सोच रहा मैं तो हेलमेट में ला के और कैमरा वैमरा लगी हुआ था, पक्का मेरे से लाइसेंस होगा सोच रहा है उन लोग। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आया था तो उसने बोला एक आया था वो तो कल भेज दिया, जो मैं सुबह मिला था वो तो कल यहाँ से ही गया बोला। तो हमको तो सुखना वाला है बोल रहा है, तो सुखना वाला पे आएगा उसके पास हमको उधर पे आएगा बोल रहा है। तो यहाँ पे तो अभी तक मिला नहीं है, तो पता नहीं अभी तक आया नहीं शायद, वही व्यवस्था है। आने से तो शायद भेजेगा नहीं वापस, तो निकलते घर वापस यहाँ से भी, क्या करेगा अब तो आए तो नहीं। नहीं तो मेरे को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बेटर कि दोबारा अप्लाई करता हूँ, उसमें फ़ोन नंबर भी डालूंगा। तो दोस्तों मैं घर आ चुका था, खाना वाना खाया मैंने अभी, और क्या बोलता अभी मुझे क्या करना बोलने, सबसे पहले मेरे को वीडियो एडिट करना है और 7:30 को मैं डाल भी देना है। तो आप लोग वेट करना, 7:30 का वीडियो आ जाएगा। और आज की वीडियो इधर एंड करेंगे दोस्तों, आपसे मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय गुरु काली।